नमस्कार। आज हम जिस शख्स की बात करेंगे, ये वो हैं जिन्होंने सच में व्यंग को साहित्य में विधा या स्थान दिलाया। हम बात कर रहे हैं हरिशंकर परसाई जी की। जी हाँ, ये भी शरद जोशी की तरह मध्य प्रदेश में ही जन्मे एक साहित्यकार थे। इन्होंने किंतु अधिकतर अपना काम जबलपुर से किया। इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो शोषण और भ्रष्टाचार है उसके ऊपर बहुत ही व्यंग्यात्मक रूप में कटाक्ष लिखे, जो आज तक हमें उनको पढ़ने पर बहुत अच्छा महसूस कराते हैं। उन्होंने शुरुआत की थी देशबंधु पत्रिका में एक कॉलमनिस्ट के तौर पर, परसाई जी से पूछे, जहाँ पे शुरुआत में उन्होंने हल्के प्रश्न फिल्मों से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए सवालों का जवाब दिया। पर किंतु धीरे धीरे वहाँ पर उनका वो इवोल्यूशन एज ए व्यंगकार धीरे धीरे परिलक्षित होने लगा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, विकलांग श्रद्धा का दौर, जिसके लिए उन्हें साहित्य पुरस्कार से भी नवाजा गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कला परिषदों ने भी उनको सम्मानित किया। उनकी कुछ कहानियां जो बहुत मशहूर हैं वो हैं दो नाक वाले लोग, हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, और आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ उसका नाम है वैष्णव की फिसलन। हमने देखा है कि राजनीतिक, सामाजिक और इनका एक मुद्दा जो काफ़ी प्रमुख हो जाता है भारत में, वो है धार्मिक। और काफ़ी मुश्किल रहा होगा ये हरिशंकर परसाई जी को कि धर्म से जुड़े हुए एक कहानी को व्यंग के रूप में लिखना। और ये सुनकर आपको एहसास होगा कि कितनी बहुमुखी प्रतिभा थे वो, जिन्होंने एक धार्मिक इंसान के मन में विचार जो चल रहे हैं उसको लेकर इतनी सुंदर सी एक कृति लिखी है। तो शुरुआत करते हैं कहानी की, वैष्णव की फिसलन, हरिशंकर परसाई जी की। वैष्णव करोड़पति हैं। वैसे बता दूं, वैष्णव का मतलब है जो विष्णु की मानते हैं, जिस तरह शिव को मानने वाले को शैव कहते हैं, तो वैष्णव। तो वैष्णव लोग खान पान के मामले में, सामाजिक रूप से जिस तरह से अपनी जीवन निर्वाह करते हैं उस बारे में काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं कि जैसे मांस मच्छी का इस्तेमाल ना करना, एक पूजा पाठ करना। तो ये उनके विधा और वाणिज्य मतलब कॉमर्स में जो ट्रेड ऑफ चलता है कि अगर समाज आपसे डिमांड कर रहा है कि कुछ चीज़ों की और वो आपके धर्म के अनुकूल नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्या आप वाणिज्य या कमर्शियल टर्म्स में गिव अप कर देंगे या और किस तरह के सवाल उठते हैं, वो कैसे एक एक्सक्यूज़ या एक रीज़न निकालता है अपनी कमर्शियल गेन के लिए। बहुत ही सुंदर सी कहानी है। सो वैष्णव करोड़पति हैं, भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा पाठ करता है, जायदाद है। वैष्णव 2 घंटे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, फिर गादी तकिए वाले बैठक में आकर धर्म को धंधे से जोड़ते हैं। धर्म धंधे से जुड़ जाए, इसी को उसके शब्दों में योग कहते हैं। कर्ज लेने वाले आते हैं, विष्णु भगवान के वे मुनीम हो जाते हैं। कर्ज लेने वाले से दस्तावेज लिखवाते हैं, दस्तावेज लिख दी रामलाल वल्द श्यामलाल ने, भगवान विष्णु वल्द नामालुम को ऐसा जो कि। वैष्णव बहुत दिनों से विष्णु के पिता के नाम की तलाश में है पर वो मिल नहीं रहा है, मिल जाए तो वल्दियत ठीक हो जाए। वैष्णव के पास नंबर 2 का बहुत पैसा हो गया है, कई एजेंसियां खोल रखी हैं, स्टॉकिस्ट है, जब चाहे माल दबाकर ब्लैक करने लगता है, मगर 2 घंटे विष्णु की पूजा करने में कभी नागा नहीं करता। सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, उनके प्रभु भी अब उसके साथ साथ 2 नंबरी होते जा रहे हैं, 1 नंबरी होते तो शायद ऐसा करने नहीं देते। वैष्णव सोचता है अपार नंबर 2 का अपार पैसा इकट्ठा हो गया है, इसका क्या किया जाए, ये बढ़ता ही चला जा रहा है, प्रभु की लीला है तो उन्हीं से आदेश लेंगे कि इसका क्या किया जाए। वैष्णव एक दिन प्रभु की पूजा के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है, प्रभु आपके ही आशीर्वाद से मेरे पास इतना सारा 2 नंबर का पैसा इकट्ठा हो गया है, अब मैं इसका क्या करूं, आप ही आशीर्वाद दीजिए, आप ही रास्ता बताइए, प्रभु कष्ट हरो सबका। तभी वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आती है, अधम माया जोड़ी है तो माया का उपयोग करना भी सीख, तू एक बड़ा होटल खोल, आजकल होटल बहुत चल रहे हैं। वैष्णव ने प्रभु का आदेश मानकर एक विशाल होटल बनवाई,
बहुत अच्छे कमरे, खूबसूरत बाथरूम, नीचे लॉन्ड्री, सलून, टैक्सियाँ, बाहर बढ़िया लॉन, ऊपर से टेरेस गार्डन। और वैष्णव ने खूब विज्ञापन कराया, कमरे का किराया अच्छा खासा रखा। फिर वैष्णव के सामने धर्म संकट आया, भोजन कैसा होगा। अपने सलाहकारों से उसने कहा, मैं वैष्णव हूँ, शुद्ध शाकाहारी भोजन कराऊंगा, शुद्ध घी की सब्जी, फल, दाल, रायता, पापड़ वगैरह। बड़े होटल का नाम सुनकर बड़े बड़े लोग आने लगे, बड़ी कंपनियों के बड़े एग्जीक्यूटिव आने लगे, बड़े अफसर, बड़े सेठ आने लगे। वैष्णव संतुष्ट हुआ। फिर वैष्णव ने देखा कि होटल में रहने वाले आगंतुक कुछ असंतुष्ट हैं। एक कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव बड़े तैश में उस वैष्णव के पास आए और कहने लगे, इतने महंगे होटल में हम क्या यहाँ घास पत्ती खाने के लिए आते हैं? यहाँ नॉनवेज का इंतजाम क्यों नहीं है? वैष्णव ने जवाब दिया, देखिए मैं वैष्णव हूँ, मैं मांस का इंतजाम आपके होटल में कैसे, अपने होटल में कैसे कर सकता हूँ? उस आदमी ने कहा, वैष्णव हो तो जाके ढाबा खोलो, आधुनिक होटल को क्यों खोलते हो? तुमने यहाँ आगे, तुम्हारे यहाँ आगे ऐसे कोई नहीं रहेगा। वैष्णव ने कहा, यह धर्म संकट की बात है, मैं प्रभु से पूछूंगा। उस आदमी ने कहा, देखिए हम बिजनेस में हैं, कोई धर्मात्मा नहीं है, और आप भी बिजनेस में हैं तो आप भी कोई धर्मात्मा नहीं है। वैष्णव ने कहा, देखिए ये सब मुझे भगवान विष्णु ने दिया है, मैं उन्हीं से पूछूंगा, मैं उनके प्रतिकूल कैसे जा सकता हूँ, मैं उनके नतमस्तक होकर उनके आगे उनके आदेश का पालन करूंगा। दूसरे दिन वैष्णव साष्टांग विष्णु के सामने लेट गए, कहने लगे, प्रभु ये होटल बैठ जाएगा, ठहरने वाले कहते हैं कि उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, मैंने वैष्णव भोजन का प्रबंध कराया है परंतु मांस खाना चाहते हैं, अब मैं क्या करूं? वैष्णव की आत्मा से एक आवाज़ आई, मूर्ख, गांधी जी से बड़ा वैष्णव इस युग में कोई हुआ है? गांधी जी का भजन है, वैष्णव जन तो टेने कहिए जे पीर पराई जानी रे। तू इन होटल में रहने वालों की पीर, उनकी पीड़ा को क्यों नहीं जानता? उनके इच्छानुसार खाना नहीं मिलता, उनके पीर, उनके दर्द को तू समझ और उनके दर्द को दूर कर। वैष्णव समझ गया, उसने जल्दी ही गोश्त, मुर्गा, मछली का इंतजाम होटल में कर दिया। होटल के ग्राहक बढ़ने लगे, मगर एक दिन फिर वहाँ एक एग्जीक्यूटिव आया, कहने लगा, हाँ ये सब तो ठीक है, मांसाहार भी मिलने लगा है, अच्छी बात है, पर एक बात है। वैष्णव ने कहा, क्या? उसने कहा, अरे गोश्त के बाद पचने की दवा भी तो होनी चाहिए। वैष्णव ने कहा, लवन भास्कर के चूर्ण का इंतजाम करा दूं? एग्जीक्यूटिव ने अपना माथा ठोका, कहने लगा, अरे वैष्णव जी आप कुछ नहीं समझते, हमारा मतलब है मदिरा, शराब। एक बार खोलिए यहाँ पे। वैष्णव सन्न रह गया, शराब कैसे पी जाएगी? मैं तो प्रभु के चरणामृत का प्रबंध करा सकता हूँ, पर मदिरा? हे विष्णु, हे राम। दूसरे दिन वैष्णव ने प्रभु से कहा, प्रभु ये तो मदिरा मांग रहे हैं, मैं आपका भक्त, मैं वैष्णव, मैं मदिरा कैसे पिला सकता हूँ? वैष्णव की पवित्र आत्मा से आवाज आई, मूर्ख तू क्या होटल खोलना चाहता है? तू क्या होटल बैठाना चाहता है? देवता सोमरस पीते थे, वही सोमरस आज की मदिरा है, इसमें तेरा वैष्णव धर्म कहाँ भंग होता है? सामवेद में 63 श्लोक सोमरस यानी मदिरा की स्तुति में है, तू धर्म को समझता भी है या नहीं? वैष्णव समझ गया, उसने होटल में बार खोल दिया। अब होटल ठाट से चलने लगा, वैष्णव फिर से बड़ा खुश था। फिर एक दिन आदमी आया, कहने लगा, ये होटल ठीक है, शराब भी है, मांस भी है, मगर मरा हुआ मांस है, हमें तो जिंदा मांस चाहिए। वैष्णव ने कहा, ये जिंदा मांस कैसा होता है? उसने कहा, अरे कैबरे जिसमें औरतें निर्वस्त्र होकर नाचती हैं। वैष्णव ने कहा, हे राम, हे बापरे, ये क्या कह रहे हैं? उस आदमी ने कहा, इसमें कोई अरे बापरे की जरूरत नहीं है, सारे हड़े बड़े होटलों में चलता है, ये शुरू कर दो तो कमरों का किराया और भी बढ़ जाएगा। वैष्णव ने कहा, देखो मैं कट्टर वैष्णव हूँ, पर मैं प्रभु से पूछूंगा, मेरे पास जो भी दिया हुआ है विष्णु का दिया हुआ है। दूसरे दिन वैष्णव फिर से प्रभु के चरणों में था, वो कहने लगा, प्रभु ये लोग कहते हैं कि होटल में नाच गाना भी होना चाहिए, आधा नंगा या पूरा नंगा। वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, कृष्ण अवतार में मैंने गोपियों को नचाया था, चीर हरण तक किया था, तुझे क्या संकोच है? प्रभु की आज्ञा, वैष्णव ने कैबरे भी चालू कर दिया। अब कमरे भरे रहते हैं, शराब, गोश्त और शाम को कैबरे। वैष्णव बड़ा खुश था, प्रभु की कृपा से होटल भरा हुआ था। कुछ दिनों बाद एक ग्राहक ने बैरे को बुलाकर पूछा, इधर कुछ और भी मिलता है? बैरे ने पूछा, क्या साहब? ग्राहक ने कहा, अरे यही मन बहलाने का कुछ ऊंचे किस्म का माल का इस्तेमाल करो, का इस्तेमाल हो पाए तो ले आओ। बैरे ने कहा, नहीं साहब ये सब होटल में नहीं चलता। ग्राहक वैष्णव के पास गया, उसने कहा, इस होटल में कौन बहलाए रहेगा, यहाँ तो मन बहलाने के लिए कोई इंतजाम ही नहीं है। वैष्णव कहा, अरे कैबरे भी तो है। ग्राहक ने कहा, कैबरे तो दूर से होता है, हमें पास में चाहिए, कमरे में।
वैष्णव फिर धर्म संकट में पड़ गया। उसने प्रभु की सेवा में फिर से गया और प्रार्थना की, कृपा निधान, यहाँ तो लोग लारी मांगते हैं, पाप की खान, मैं इस पाप की खान से जहां तक बनता है दूर रहता हूं, आप ही बताइए मैं क्या करूं। वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, ये तो प्रकृति और पुरुष का संयोग है, इसमें क्या पाप और क्या पुण्य, चलने दें। वैष्णव ने बैरों से कहा, चुपचाप इंतजाम कर दिया करो, जरा पुलिस से बचकर 25% भगवान की भेंट ले लिया करो। अब वैष्णव का होटल खूब चलने लगा, शराब, गोश्त, कैबरे और औरतें, वैष्णव धर्म बराबर निभ रहा है, इधर यह भी चल रहा है, वैष्णव ने धर्म को धंधे से क्या खूब जोड़ा है। सोच कर देखिए कि धर्म, वाणिज्य और मोरालिटी, हमारी नैतिकता, इन सब के बीच में खिलवाड़ कर हर किसी को, हर चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर दिया गया है। ये कहानी है काफ़ी पुरानी, बट है फिर भी मानी, और इसलिए मुझे लगता है कि हरिशंकर परसाई को सुनना और समझना फिर से एक बार बहुत ज़रूरी है। आज की कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।